तो आज हम अल्कोहल और फिनॉल के बे रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे जिनमें, तो ये सेकेंड पार्ट है इसका, तो बे रासायनिक अभिक्रियाएं, बे अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन और हाइड्रोक्सिल समूह मतलब अल्कोहलिक समूह के बीच का जो बंध है उस बंध का विदलन होता है या टूटता है, बंध का विदलन होता है, विदलन होता है। तो इसमें सबसे पहली अभिक्रिया है PCl3 यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। देखते हैं क्या बनता है। तो सबसे पहले कोई भी अल्कोहल ROH, और ये तो हो गया अल्कोहल, अल्कोहल का ये सामान्य सूत्र होता है। फिर किससे हमें रिएक्शन करानी है, PCl3। इस अल्कोहल की क्रिया जब हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराते हैं तो हमेशा फास्फोरिक एसिड ये हमेशा बनता ही बनता है, साथ ही साथ इसको थोड़ा सा और क्या बनेगा इसके साथ, यहां से एक क्लोरीन परमाणु, ये जो क्लोरीन परमाणु है ये इस अल्कोहलिक समूह को इस अल्कोहल से विस्थापित कर देते हैं और स्वयं आकर के जुड़ जाते हैं। क्या बनाएंगे, R, और इस OH समूह की जगह पर आ जाएगा क्लोरीन। तो यहां पर ये बन गया, ये एल्किल है और ये है हैलाइड। तो यहां पर जो मेन प्रोडक्ट है वो बनता है एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड, और ये बन गया फास्फोरिक एसिड। तो यहां पर क्लोरीन के तीन परमाणु हैं, तो यहां हम इसको संतुलित कर लेते हैं, क्लोरीन के तीन परमाणु हो गए, तब ये एल्किल समूह भी तीन हो गए, इसको संतुलित करेंगे तो यहां पर भी तीन। तो हाइड्रोजन तीन है, तीन कंप्लीट हो गए, फास्फोरस एक परमाणु है ये भी कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन तीन परमाणु है, ऑक्सीजन भी तीन संतुलित हो गए। इस तरह से यह हमारी अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट अभिक्रिया है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया, जब हम अल्कोहल की ROH प्लस का PCl5, जब अल्कोहल की PCl5 से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो हमेशा POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड ये अवश्य बनता है। साथ ही साथ यहां से ये P तो कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन ये भी कंप्लीट हो गया, और क्लोरीन के तीन परमाणु यहां पर आ गए हैं, अभी दो और बचे हैं। ये हाइड्रोजन क्या करता है, उस एक दो क्लोरीन परमाणुओं में से एक क्लोरीन परमाणु के साथ रिएक्ट कर लेता है और बना लेता है HCl। अब भी एक क्लोरीन परमाणु बचा हुआ है, वो क्लोरीन परमाणु क्या करेगा, इस अल्कोहलिक समूह को विस्थापित कर देगा और इस एल्किल समूह से जुड़कर बनाएगा एल्किल क्लोराइड। तो यहां पर जो फाइनली प्रोडक्ट हमें मिला वो मिला है एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड। इसी क्रम में अगली अभिक्रिया है सल्फ्यूरिल क्लोराइड SOCl2, ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड होता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया।
जब अल्कोहल की सल्फ्यूरिल क्लोराइड SOCl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो भी हमें एल्किल हैलाइड ही प्राप्त होते हैं। कैसे अभिक्रिया देखते हैं, यहां पर ये हो गया अल्कोहल, ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड, इसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो यहां से ये ऑक्सीजन इस SO के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाई ऑक्साइड बना लेती है, सल्फर डाई ऑक्साइड प्लस ये जो हाइड्रोजन है वो ये इस क्लोरीन के दो परमाणुओं में से एक क्लोरीन के परमाणु के साथ रिएक्ट कर लेता है और बना लेता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक गैस, और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हो गई। इसके साथ अब एक क्लोरीन परमाणु बचा है और ये एल्किल समूह बचा है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेते हैं और बना लेते हैं एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बनके तैयार हो जाता है एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड। तीनों ही केस में हमने देखा जब अल्कोहल की क्रिया PCl3 से कराएं या PCl5 से कराएं या फिर SOCl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड से कराएं, तीनों ही केस में हमें एल्किल हैलाइड ही प्राप्त होते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं सभी में कि PCl5 या PCl3 और SOCl2 के साथ अभिक्रिया कराने पर अल्कोहल एल्किल हैलाइड्स का निर्माण करते हैं। अगली अभिक्रिया है फोर्थ, अल्कोहल अल्कोहल का निर्जलीकरण, मींस निर्जलीकरण का मतलब होता है पदार्थ से जल के अणु को बाहर करना, अलग करना। तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है RCH2OH या ROH। तो यहां पर हम इसे अभी एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे CH3, यहां पर CH3 CH2 और OH, ये क्या हो गया CH3 CH2 OH, इसे इधर भी लिख ले रहे हैं CH3 CH2 OH, ये या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं C2H5OH। ये एथिल अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल, या इसको एथेनॉल भी कहते हैं, एथेनॉल। जब इसकी क्रिया हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र H2SO4 के साथ कराएं और इसको गर्म करें तो हमें प्राप्त होता है इस वाले कार्बन से ये जो अल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है ये बाहर हो जाता है और इसकी संयोजकता अभी कितनी रहेगी, तीन, ये तो बाहर निकल गया, एक दो तीन संयोजकता रहेगी। इस वाले कार्बन परमाणु पर अभी चार संयोजकताएं हैं, तो क्या होगा इनमें से कोई सा भी एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल जाता है और इस OH के साथ रिएक्ट कर लेता है और जलकाणु बना करके बाहर निकल जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें प्राप्त होता है कार्बन। यहां पर केवल दो हाइड्रोजन रह गए इस वाले कार्बन परमाणु पर, एक तो बाहर निकल गया है, दो रह गए। अगले कार्बन परमाणु पर भी दो हाइड्रोजन परमाणु रह गए और बाहर निकल गया जल का अणु HOH। और यहां पर हम देख रहे हैं कार्बन की अभी संयोजकता कितनी है, तीन, तो ये अपनी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध का निर्माण कर लेता है। तो फाइनली ये बनके तैयार हो जाता है एथीन, या हम यूं कह सकते हैं कि जब ये क्या है एल्किन, तो हम कह सकते हैं कि जब अल्कोहलों को सांद्र H2SO4 के साथ में गर्म किया जाता है तो हमें एल्कीन की प्राप्ति होती है।
तो इसकी क्रियाविधि देखते हैं। क्रियाविधि क्रियाविधि तो अल्कोहलों का जो निर्जलीकरण होता है उसमें ये जो क्रिया है वो तीन पदों में संपन्न होती है, तीन पदों में संपन्न होती है। अब ये कौन कौन से तीन पद हैं? तो प्रथम पद, पहले पद में जो भी अल्कोहल है, तो यहां पर अल्कोहल लिख लेते हैं, हमने एथिल अल्कोहल लिया था तो एथिल अल्कोहल, ये रहा एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल में क्या होगा, हमने इसकी अभिक्रिया किससे कराई थी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, एक प्रोटॉन देने वाला पदार्थ है, तो वो क्या करेगा, इस अल्कोहल को प्रोटॉन प्रदान करेगा। तो ये अभिक्रिया में क्या होता है, इस अल्कोहल का प्रोटॉनीकरण होता है, मींस ये एक प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है, जिससे क्या प्राप्त होता है, देखते हैं, सी एच एच, यहां पर कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये ओ और ये एच। तो यहां पर जो कार्बन होता है, ऑक्सीजन है, इसके पास ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करता है, इस जगह आकर के आक्रमण करता है, इनसे अपने इलेक्ट्रॉनों को पाने की कोशिश करता है। तो इस कारण से ये क्या करेगा, यहां पर आकर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, और जब इस पर आकर के जुड़ा है, इसका मतलब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस हाइड्रोजन को दिया है। तो जब दाता है ये, तो दाता परमाणुओं पर प्लस चार्ज आ जाता है, तो ये बन गया क्या, प्रोटॉनीकृत अल्कोहल। अगले पद में द्वितीय पद, द्वितीय पद में जो प्रोटॉनीकृत अल्कोहल है एच सी एच एच सी, ये एच, ये ओ और ये एच और ये, इस पर प्लस है, ये प्रोटॉनीकृत अल्कोहल क्या करता है, इस जल के अणु को त्याग देता है, इतना ये पार्ट है, इसको त्याग देता है, और जब ये त्याग देगा तो ये तो जल का अणु है, ये तो बाहर निकल गया, और ये क्या बचेगा, यहां पर इतनी स्पीशीज बचेगी, किस तरह की, एच सी एच और ये एच सी, ये एच और ये एच, और इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और यहां पर क्या निकल गया, एच ओ एच, यानी इसे हम लिख सकते हैं H2O, ये जल का अणु बाहर निकल गया, ये क्या बना, कार्बो कैटायन, कार्बो कैटायन। तो हम कह सकते हैं द्वितीय पद में प्रोटॉनीकृत अल्कोहल जल का अणु त्याग कर कार्बोकैटायन का निर्माण करता है। अगले पद में तृतीय पद, जो कि लास्ट पद है, तृतीय पद में ये जो कार्बोकैटायन है ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन को त्याग कर फाइनली जो प्रोडक्ट था एल्कीन उसका निर्माण करता है, किस तरह से, आइए देखते हैं। अगले स्टेप में ये वाला कार्बन एटम क्या करेगा, इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को त्याग देता है और
ये इस तरह से एक हाइड्रोजन परमाणु को त्याग दिया, यानी एक प्रोटॉन को त्याग दिया। तो ये तो प्रोटॉन त्याग दिया है। अब जिस प्रोटॉन को त्यागा है तो यहां पर क्या होगा, ये कार्बन परमाणु अपनी अपनी संयोजकताओं को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर अभी संयोजकताएं कितनी हैं, दोनों कार्बन परमाणुओं की संयोजकता है अभी 3। तो ये क्या करेंगे, अपनी संयोजकताओं को पूर्ण करने के लिए डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट है वो एल्कीन बन जाता है या एथीन बन जाता है। तो ये इस अल्कोहलों के निर्जलीकरण की क्रियाविधि हो गई, जो कि 3 पदों में संपन्न होती है। अगली अभिक्रिया है 5वीं, उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण। ये क्या होती हैं? विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है पदार्थों से हाइड्रोजन अणु का निकलना, और उत्प्रेरक ये है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें किसी उचित उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन अणु को बाहर निकालना है। तो क्या होता है, जब प्राथमिक अल्कोहल ऐसे अल्कोहल जिनमें कार्बन परमाणु किसी एक ही अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हो, तब हम उसे प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। तो जब हम किसी प्राथमिक अल्कोहल को 573 केल्विन टेम्परेचर पर कॉपर या फिर सिल्वर हो इन प्राथमिक अल्कोहलों की वाष्पों को प्रवाहित कराते हैं, तो इन अल्कोहलों से हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है, हाइड्रोजन का अणु एक विस्थापित हो जाता है, मींस डीहाइड्रोजनीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप बनता है RCRHO। ये बनके तैयार हो गया एल्डिहाइड, मींस प्राथमिक अल्कोहल डीहाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप हमको एल्डिहाइड प्रदान करते हैं। इसी में अगर ये द्वितीयक अल्कोहल लें, जैसे RCHR डैश, इसको अलग दिखाने के लिए एक डैश ले लिया, और ये OH, जब द्वितीयक अल्कोहलों को हम की वाष्पों को इन द्वितीयक अल्कोहलों की वाष्पों को कॉपर या फिर सिल्वर पर 573 केल्विन ताप पर प्रवाहित कराते हैं, तो यहां से यह हाइड्रोजन अणु विस्थापित होगा या निकल जाएगा, और यहां से क्या बनेगा, RC और ये R' और यहां पर ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन बाहर निकल गया। तो ये इस तरह का प्रोडक्ट बना। जब कार्बोनिल ये समूह दो एक ही तरह के या अलग अलग एल्किल समूहों से जुड़े होते हैं, तब इस तरह के पदार्थों को हम कहते हैं कीटोन। तो इसका मतलब यह हो गया कि जब द्वितीयक अल्कोहलों की वाष्पों को किसी उत्प्रेरक यानी कॉपर या सिल्वर पर प्रवाहित करते हैं, तो कीटोन का निर्माण होता है। अब अगर तृतीयक अल्कोहल लें, तो तृतीयक अल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु अलग अलग या एक समान एल्किल समूहों से जुड़ा हो और उससे अल्कोहल समूह जुड़ा हो, तो इस तरह के अल्कोहल कहलाएंगे तृतीयक अल्कोहल। तो ये तृतीयक अल्कोहल की वाष्पों को जब कॉपर या सिल्वर पर 573 केल्विन ताप
पर प्रवाहित किया जाता है तो इनसे क्या बनता है, एल्कीन की प्राप्ति होती है। इनसे हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं होता बल्कि पूरा एक कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन चला जाता है और ये OH निकल जाता है, अल्कोहल समूह भी निकल जाता है, यानी इसका निर्जलीकरण होता है और बनेगा RC, यहां पर R" और ये R-। तो यहां पर ये जो R- है ये CH2 रहता है, ये यहां पर मान लीजिए CH3 है, तो इनमें से क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस अल्कोहलिक समूह के साथ जुड़ करके क्या बना लेगा, जल का अणु बना लेगा। तो इस अभिक्रिया में भी हाइड्रोजनीकरण नहीं बल्कि उसका निर्जलीकरण होता है और ये इस तरह का जो पदार्थ होता है इसे हम कहते हैं एल्कीन। तो हम कह सकते हैं प्राथमिक अल्कोहल और द्वितीयक अल्कोहल उत्प्रेरकीय बिहाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप क्रमशः एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, जबकि तृतीयक अल्कोहल उत्प्रेरकीय बिहाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप एल्कीन प्रदान करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नई वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।